हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड किचन विद स्मिता। आज हम बनाएंगे घर के कुछ सामानों से ये ऑर्गेनिक और हर्बल होली के गुलाल। तो बस शुरू करते हैं। तो मैंने ये ले लिए थे गेंदे के फूल, और इनका जो ये नीचे हरा वाला हिस्सा है इसको निकाल के अलग कर देंगे और सिर्फ पंखुड़ियाँ लेंगे। मैंने ये थोड़ा सा ये जो डार्क ऑरेंज येलोइश कलर वाला गेंदा होता है ये लिया था, और इसकी पत्तियों को मिक्सी में डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाल सकते हैं, और इसका ये अच्छा पेस्ट जब बन जाएगा हम उसे एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा पीला डार्क पीला कलर निकल के आएगा, और अच्छे से छान लेंगे। अब एक बाउल में हम आरारोट लेंगे। आप चाहें तो आरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये गेंदे का जो पल्प है उसका कलर मिक्स करते जाएंगे। पहले बहुत टाइट रहेगा, तो आप अगर स्पैचुला की हेल्प से नहीं कर सकते हैं तो चम्मच से करिए। धीरे धीरे मिक्स होता जाएगा, पहले थिक रहेगा, अगर आप ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। फिर एक थाली में नीचे आरारोट डस्ट करके इसको डाल देंगे और उसको भी प्रॉपरली मिक्स कर देंगे, और ये इस टाइप से सेट हो जाएगा। और अब हम बनाएंगे पिंक कलर। तो उसके लिए हम बीट रूट ले लेंगे और सिर्फ उसे पीसेस में कट कर लेना है जैसे हमने उसके लिए किया था, और ये पालक इसको भी हमने कट कर लिया। अब बीटरूट और पालक दोनों का प्यूरी कर लेंगे, और सेम प्रोसेस से जैसे हमने गेंदे के साथ किया है वैसे इन दोनों को छान के अलग कर लेंगे। अब इस पालक के पेस्ट में भी हम थोड़ा थोड़ा करके आरारोट डालेंगे, और ये हमारा ग्रीन कलर रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस से नीचे फिर हम थाली में आरारोट डस्ट करेंगे और इस ग्रीन कलर को फैला देंगे। अब हम चुकंदर के पेस्ट को भी अच्छे से छान लेंगे। आप चाहें तो ये पूरा पल्प ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रेनुलेटेड रहेगा, इसलिए हम इसको छान के इसके पानी को सिर्फ इसके कलर को यूज़ करेंगे और इसको आरारोट में मिक्स कर देंगे। किसी भी कलर को बनाना हो तो आप सेम प्रोसेस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं डाला था, गेंदे की ओरिजिनल खुशबू आ रही थी। और मैंने ये कलर तो सिर्फ फूड कलर से बनाया था, इसमें मैंने कुछ भी वेजिटेबल या इस टाइप का नहीं यूज़ किया था। ये सिर्फ फूड कलर आप खा सकते हैं और आरारोट भी खा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये हमारे सारे कलर गीले रखे हुए थे अभी, ये इनको धूप में 2 घंटे ड्राई कर लेंगे, उसके बाद ये इस तरह से सूख के छुट जाएंगे। आप चाहें तो किसी स्पून की हेल्प से इन्हें मैश कर सकते हैं, वरना मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका महीन सा पाउडर बन जाएगा और आपका ये गुलाल रेडी है। आप इसे कभी भी यूज़ करें, किसी को भी लगाएं, स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। और इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ था, और इसके कलर इतने ज़्यादा अच्छे थे, बिल्कुल पेस्टल और ब्राइट कलर थे। आई होप आप ये गुलाल बना के ज़रूर ट्राई करेंगे और अच्छे से और सेफ होली मनाएंगे। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।